जिन लोगों के कार्यालयों में पहले कभी जिस जहां से वो आए हैं, जो उनकी मूल संस्था है आरएसएस, लगभग 70 साल तक तो उनके अभी तिरंगा नहीं फहराया गया। कम से कम अब फहराया जा रहा है तो खुशी की बात है। अब तिरंगा फहराना है तो हमारा आपसे निवेदन है कि उनसे कहें कि तिरंगे के साथ साथ मोहब्बत भी फैलाना प्रयास करें। देखिए, वफ एक्ट के मामले में बड़ा स्पष्ट है कि जो वफ एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर केंद्र सरकार लाना चाह रही है, ये उन संपत्तियों पर इनकी निगाह है जो बेशकीमती हैं, जो वफ की संपत्ति है, जो निजी संपत्ति है। बहुत ज़रूरी है इस बात में ये समझना कि ये संपत्ति सरकार की नहीं है, ये व्यक्ति की होती है और वो व्यक्ति एक अच्छे कॉज के लिए, सोशल कॉज के लिए इसको गिफ्ट करता है और उसका उपयोग उसी के हिसाब से हो सकता है। अब सरकार की मंशा है कि उसको हड़प लिया जाए, हड़पने का रास्ता नहीं मिल रहा तो वफ एक्ट को कमजोर करें, बस यही है बात। बोलूं, लगातार 12 सालों से जंग आज़ादी के इस महीने पर 15 अगस्त से पहले हम लोग एक पखवाड़ा मनाते हैं और उसका एक बहुत बड़ा मकसद 12 साल पहले शुरू करा था। जो देश में नफरत बढ़ रही है, जो इतिहास मिटाया जा रहा है और एक वर्ग, एक समाज के प्रति ये बताने और ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा, तो हम कम से कम इन बच्चों के माध्यम से वो इतिहास को दोहराते हैं और वो चीज़ को याद दिलाना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान सबका है, सब ने मिल के लड़ाई लड़ी और सबकी लड़ाई के बाद ही आज़ादी हासिल हुई और उसमें सबसे बड़ा रोल मुस्लिम धर्म गुरुओं का रहा, जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, फांसियों के फंदे झूले। तो धीरे धीरे जब इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई तो हम लोगों ने आरिफ मसूद फैंस क्लब की जानिब से, हमारे अध्यक्ष नफीस और अजमत भाई ने लगातार आज 12वीं साल तक इस प्रोग्राम को लेकर आए जो कल से प्रारंभ होगा, जिसमें बच्चे जगह जगह अपने प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे, उनको इनामात भी देंगे और देश में एक मोहब्बत का और एक मुल्क की असली जो हिस्ट्री है उसको मंजर आम पे लाना इस प्रोग्राम का मकसद है। बिल्कुल कोशिश करेंगे, इसमें कोशिश जैसे किसी नेता को बुलाने या प्रोग्राम के अंदर भीड़ बुलाना असल मकसद इसका नहीं रहता। इस प्रोग्राम का असल मकसद ही केवल इतना रहता है कि लोकल बच्चे हमारे इन्वॉल्व हों और वो बच्चे हिस्ट्री को खुद भी जानें और हिस्ट्री को दूसरे लोगों को याद दिलाने का काम भी करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।